और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म छपाक में बिजी हैं। फिल्म में वो एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभा रही हैं। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया। इस फर्स्ट लुक में दीपिका हूबहू लक्ष्मी अग्रवाल जैसी दिख रही है। तस्वीर में दीपिका की आंखों में उदासी के साथ ही उम्मीद भी दिखाई दे रही है और वो पूरी तरह कैरेक्टर में दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट लुक के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। वहीं खबरें ये भी हैं कि फिल्म में दीपिका के किरदार का नाम मालती होगा। फिल्म में दीपिका के साथ विक्रांत मैसी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है। इस फिल्म का डायरेक्शन मेघना गुलजार करेंगी। दीपिका इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। इस फिल्म के जरिए दीपिका पहली फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही हैं। ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस साल आईपीएल मैचों के सीधे प्रसारण के दौरान एक और नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, मगर ये रिकॉर्ड कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बनाने जा रहे हैं। अपने करियर में क्रिकेट पर बनी फिल्मों अव्वल नंबर और लगान के हीरो रहे आमिर इस साल आईपीएल के भी हीरो बनने जा रहे हैं। आमिर खान के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी पिछली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने के बाद का समय उन्होंने पूरी तरह से अपनी मार्केटिंग पर लगाया है और इस सीजन के वो सबसे बड़े ब्रांड बनने जा रहे हैं। आमिर खान आईपीएल के हर मैच के ब्रेक के दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएंगे। किसी सेलिब्रिटी का क्रिकेट मैच सीरीज के ब्रेक में इस तरह से आना एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। जानकारी के मुताबिक आमिर खान इस बार आईपीएल मैचों के दौरान कम से कम तीन बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन करते दिखेंगे। आईपीएल के लीड स्पॉन्सर के अलावा एक डिजिटल भुगतान कंपनी ने भी आमिर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा एक लग्जरी शू ब्रांड का प्रमोशन भी आमिर इस आईपीएल सीजन में शुरू करने वाले हैं। ये भी पहली बार होगा कि आमिर खान एक समय में एक से अधिक ब्रांड का प्रचार करते दिखेंगे। आमिर अभी तक एक बार में एक ही ब्रांड का प्रमोशन करते रहे हैं। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इस आईपीएल आमिर के इन तीनों ब्रांड्स के विज्ञापन पर कंपनियों के करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। शनिवार रात मुंबई में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया। इस अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना सहित सारा अली खान, जानवी कपूर, विकी कौशल, मोनी रॉय, अक्षरा हासन और राधिका मदान जैसे कई स्टार्स ने शिरकत की। अवार्ड फंक्शन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आलिया को फिल्म राजी और रणबीर को संजू के लिए अवार्ड मिला। इस खास मौके पर जब आलिया को अवार्ड दिया जा रहा था तो वो स्टेज पर भावुक हो गयी। उन्होंने स्टेज पर एक स्पीच दी, उसमें उन्होंने रणबीर कपूर का जिक्र किया और उन्हें आई लव यू बोला। आलिया ने स्टेज पर कहा, मेघना मेरे लिए राजी तुम हो, इसमें तुम्हारा खून पसीना है। विकी, तुम्हारे बिना ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाती। मेरे मेंटर होने के लिए करण जौहर और पापा का शुक्रिया। आज की रात प्यार के लिए, मेरे खास के लिए, आई लव यू। वहीं जब लीडिंग रोल में रणबीर कपूर का नाम बेस्ट एक्टर के रूप में घोषित किया गया तो उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण को भी हक किया और अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर चले गए। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें किसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।